ठप्पा से वोट पड़ेगा, मोहर ठप्पा से। हाँ, मोहर ठप्पा से वोट पड़े। तो ईवीएम मशीन को ले आने वाले राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी चाहिए हो। हाँ, बैलेट पेपर से पड़े वोट। जब लड़का पकड़वाए मनाई कटवाता है कुल करवाता है तो कहीं कुछ मोदी गई। राम मंदिर नहीं बनाना चाहिए, उनको हॉस्पिटल बनाना चाहिए। मंदिर बनने से तमाम लोग रोजगार मिले, रोजगार उनका घर में चला जाए। आज ऊपर करना स्कूल बनवाते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, जितने बच्चे बैठे हैं नौकरी नहीं कर रहे हैं, माँ बाप ऋण कर्जा करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं। किस लिए चोर है मोदी? चोर है, हाँ चोर है मोदी। कैसे चोर है? चोर है। चाय बेचकर बच्चे छान दे मनाई के। हाँ मनाई को छान दे। नहीं भैया, पेपर से पड़े ऐसे नहीं, पेपर से वोट देंगे। हाँ, कहीं के बटन से भरोसा नहीं? नहीं नहीं, भरोसा नहीं है। हाँ, दिक्कत है उसमें? उसमें ये दिक्कत है कि माँ खुदा घपला के हैं, मायावती कम समय वोट देता ही पड़ा तो मोदी के। मर गए प्रधान, मर गए। हाँ प्रधान गांव मर गए। हाँ। पैसा नहीं है। देखिए भाई साहब, तुम एक लगाइए। आपके क्या दिए हैं मोदी? हमको कुछ नहीं दिए, हमको कुछ नहीं, यही थिमाए हैं कि आप लोग हम डंडा दे दे। चला बोला राष्ट्रव्यापी आंदोलन, इस वक्त ईवीएम को लेकर तमाम धरनाएं चल रहे हैं, दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर आज ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखने को मिल रहा है। फिलहाल अभी हम बातचीत करेंगे, यहाँ पे तमाम लोग मौजूद हैं, बसपा यानी समाज के लोग हैं, मायावती को सपोर्ट करते हैं, उनसे थोड़ा बातचीत करेंगे। आखिर ये किस पे वोट देंगे, किसको वोट नहीं करेंगे? लगातार इनका एक दावा होता है कि बसपा सुप्रीमो मायावती को वोट करेंगे, जीते या नहीं जीते। अभी इनसे बातचीत करेंगे, ये बताइए किसको वोट करेंगे? अरे भैया, हम लोग मायावती देंगे वोट। मायावती? हाँ, पर मायावती कहते हैं कि वो जीतेंगे नहीं। अरे हार जाए ठीक है, लेकिन हमारा सत्ता वहीं पे जाएगा। हारे या जीते पर देंगी वहीं पे, वहीं पे देंगी। रोड खराब करने से क्या फायदा? अरे है खराब, हमें अच्छा लगता है खराब करने को। मोदी जी नहीं सही है, 5 किलो राशन दे रहे हैं। हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए वो राशन। क्या हम गरीब एकदम ही है क्या? हमारे सन के खेत है कि अरे अपना भाई हमारे काम करो तो मिले हमेशा के, वैसे मिले ना हमेशा के अपने खेती में करब मेहनत करब तो वही खाब हम सब। हमें जानी हम कि हला खादी गोबर एक नाइल जवान देते हैं तो काट देते हैं मूढ़ी हमारे समन के। मोदी जी मूढ़ी काट रहे? और क्या काट नहीं रहे हैं हमारे मूढ़ी? कह रहे हैं कि एक बार और हमें सपोर्ट करिए, उसके बाद अच्छा करेंगे। हम सपोर्ट नहीं करेंगे, जाइए आप सब, हाथ जोड़ते हैं हम। हम हाथ जोड़ रहे हैं भैया। आप क्या कह रहे हैं? कहा था लड़का पढ़ ली, कितना बेरोजगारी का दिन, मोदी जीत के क्या कर रहे हैं? अरे मोदी जी काम तो कर रहे हैं ना। अरे राम मंदिर बनवा दिए, 5 किलो राशन दे रहे हैं, तमाम सुविधाएं। पूजा जा, पूजा से मिले हमें, पूजा थोड़ी मिली। राम मंदिर जा पूजा तो कहीं घर खर्ची पहुँचाई दे, घर जी ने पहुँचाई। लड़का इतना पढ़ लिख के बेरोजगारी टहराता है, ओकर नहीं मोदी जी देखा था। ईवीएम या बैलेट पेपर? हाँ बैलेट पेपर। नहीं भैया, पेपर से पड़े ऐसे नहीं, पेपर से वोट देंगे। हाँ, कहीं के बटन से भरोसा नहीं? नहीं नहीं, भरोसा नहीं है। दिक्कत है उसमें? उसमें ये दिक्कत है कि माँ खुदा घपला के हैं, मायावती कम समय वोट देता ही पड़ा तो मोदी के। हाँ, मायावती को वोट देती है, पड़ता है मोदी को। तो ये आप लोगों को कैसे पता चलता है कि वोट देते? पता चला था, कितना जनता सपोर्ट करता है। चोर है, ईवीएम मशीन चोर है। तो ईवीएम मशीन को ले आने वाले राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी चाहिए हो। हाँ, बैलेट पेपर से पड़े वोट। बैलेट पेपर, बैलेट पेपर से वोट पड़े तब माना जाए, तब माना जाए, तब माना जाए। बैलेट पेपर से होगा तो मायावती तब पर भी नहीं जीती, तो नहीं जीते तब कैसे ना जीते? जीते चाहिए, जीते, लेकिन बैलेट पेपर से वोट पड़े तब माना। हाँ, मोहर ठप्पा से वोट पड़ेगा। मोहर ठप्पा से? हाँ, मोहर ठप्पा से वोट पड़े। क्या वोट देबू दादी? हम केहू के दे वोट? अरे मायावती देबू, मोदी मायावती दे, मायावती। हाँ, तू सब जाए कटौती की है। हाँ, हम सब कटौती करें। हाँ, तब का तो हम सब का ही काट, हमें सब का दिक्कत। बात कहा था ही नहीं, सब मोदी जितना बढ़िया बढ़िया काम कर रहा है उनके वोट ना दे? नहीं ना दे। हाँ। मोदी जब लड़का पकड़वाए मनाई कटवाता है कुल करवाता है तो कहीं कुछ मोदी गई। मतलब मोदी जी गलत काम कर रहे हैं। हाँ, तो बैलेट पेपर सोट देंगे? हाँ, सुविधा उविधा नहीं मिल रहा है का आप लोग? सुविधा बा ना, रास्ता बा ना, है पाइप मिली बा टोटी वाला, कोनो सुविधा नहीं ने। हाँ, कोई सुविधा नहीं, कोई सुविधा नहीं, हमारे जल के देख लीजिए। हाँ, प्रधान मर गया, पूरी पैसा ना जुहाता है। हाँ, प्रधान मर गए,
प्रधान मर गए? हाँ प्रधान गांव मर गए, रही हुआ कि पैसा नहीं है। हाँ तो प्रधान का काम होता है कि गांव में जो भी काम आता है उनको कराना चाहिए था। पूछो कहाँ बा गांव में, जगह बा गांव में, प्रधान कुछ ना किया है। तो इसमें मोदी की क्या दिक्कत है? आप प्रधान को कहिए मोदी को क्यों उठने? मोदी खोज करा रास्ता दे, हमारे सब के रहा जगह दे, खेत की आरी ले लेता है। क्या कहते हैं दादी? मोदी चोर है। मोदी चोर है? हाँ चोर है। मोदी कैसे चोर है? चोर है। मोदी तो सब व्यवस्था दे बकरी चुराई लेता है। छोटे वाले नहीं, हाँ छोटे के साथ देखा था, बबरे ठकुर देखा था। पर तमाम लोग तो मायावती का विरोध कर रहे हैं। बबरे ठकुर देखा था, गरीब बनाई के मारा था। हाँ उन्हें हम पेपर पर हम दे वोट, एडीएम पर ना दे। हाँ हाँ ईवीएम पे नहीं देंगी, बैलेट पेपर, बैलेट पेपर दे, बैलेट पेपर। दादी बताओ पेंशन ना मिलत मोदी की तरफ से? पेंशन ना मोदी देता है पेंशन? हमारा कहा खत्म नहीं कहिए कि मोदी ना आए तब कब ना बांट आई। तो मतलब मोदी नहीं दे रहे हैं? नहीं। फिलहाल अभी आपको बताने का प्रयास करूंगा कि ये दलित समाज की तमाम महिलाएं या तमाम लोग यहाँ पे मौजूद है, लगातार मायावती का सपोर्ट में खड़े हैं। और वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो कहीं ना कहीं मोदी का विरोध ये लगातार कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि जैसे देशव्यापी नारा और ईवीएम को लेकर तमाम धरनाएं दिल्ली के जंतर मंतर से लगातार चल रही है। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ। अभी यहाँ पे तमाम महिलाएं मौजूद है, लगातार यहाँ के प्रधान और ग्रामीण क्षेत्र के तमाम जो नेता है उनका विरोध और मोदी का भी साथ साथ में विरोध कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि इस बार हम वोट मोदी को नहीं बल्कि बैलेट पेपर से वोट करेंगे और मायावती को वोट करेंगे। ये बताइए किसको वोट देंगे? मायावती को वोट देंगे हम लोग, मायावती को वोट देंगे। मायावती पर मोदी ने तो काम किया है? नहीं, मोदी ने काम नहीं किया है, नहीं किया है, नहीं देंगे उनको, नहीं देंगे, नहीं देंगे बैलेट पेपर, मीडिया पे देंगे। हाँ मायावती कुछ ना केहन मोदी, बिल्कुल कुछ ना केहन, मायावती केहन दुनिया में जिया था हम सबे। अच्छा ये बताइए, पहले इतना बच्चे हमारे लोग खड़े हैं पढ़ लिख के, का घास छोले बताओ पहले? छान दे मोदी चाय बेचत बच्चे, छान दे मनाई के, मनाई को छान दे मोदी चाय, छान है मोदी। नहीं ऐसे कैसे आप? अरे क्यों ना कहे, सभी को तो मोदी एक समान देखते हैं, कहते हैं सबका साथ सबका विकास। ठकुरे बमन बहन बिटिया ढाक के जाए और छोटे जतिया बिटिया बनु घर हो के जाए। आते हैं सबका साथ सबका विकास, सबको सम्मान देखते हैं, एक निगाह से देखते हैं। पहले अपना देखिए भाई साहब, तब मुँह एक लगाइए। हाँ आपके क्या दिए हैं मोदी? हमको कुछ नहीं दिए है, हमको कुछ नहीं, यही थिमाए हैं कि आप लोग हम आऊ सर के कख डंडा दे दे मौसम चला बोला दिया है, कह रहे हैं कि आप लोग उस बात करिए सिर्फ। अरे हम लोग हाथ जोड़ते हैं, हम उस लोग को वोट नहीं देंगे, इस बार आप लोगों को और सुविधाएं मिलेंगी। बैलेट वोट क्या कहते हैं? बैलेट पेपर, बैलेट पेपर, बैलेट पेपर। हाँ ईडीएम मोदी इस बार जीते ही ना, जीते ना जीते। हाँ लेकिन बैलेट पेपर वोट चलना का दादी का कहा भैया की मोदी का नाम ऐसा की है की पहले लड़का पकड़वा रहे, पहले दका दका कुल करा हमारा ख्याल कम होता, छोटे पढ़ाई लिखाई दे, पढ़ाई लिखाई देते रहे पहले जमाना में। बाबा साहेब के जरिए से पढ़ने लिखने ला रहे, बताओ साहेब के जरिए से भाई सब लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ाई ला गए। हाँ क्या कह रहे हैं? राम मंदिर नहीं बनाना चाहिए, उनको हॉस्पिटल बनाना चाहिए। राम मंदिर बनने से तमाम लोग रोजगार मिले, रोजगार उनका घर में चला जाए, आज ऊपर करें, स्कूल बनवाते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, जितने बच्चे बैठे हैं नौकरी नहीं कर रहे हैं, माँ बाप ऋण कर्जा करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, किस लिए पढ़ा रहे हैं? 500 साल का पुराना मुद्दा था, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई थी, खत्म हो गया है। खत्म हो जाए चाहे सही है भैया, लेकिन हमारे हिंदू क्या पछाड़ जा रहा है? मुसलमान बनवा देते हैं मस्जिद, बना मुसलमान को मस्जिद बना के राम मंदिर बनवाए हैं। हम लोग ये सब नहीं करेंगे, जब वोट देंगे तब हम लोग मायावती को वोट देंगे, मायावती को, मायावती को वोट देंगे, मायावती, 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 मायावती। चलिए फिलहाल ये दलित समाज के तमाम लोग हैं, लगातार ये मोदी का विरोध कर रहे हैं, ईवीएम हटाओ देश बचाओ और ईवीएम हटाओ बैलेट पेपर लगाओ, बैलेट पेपर से वोट करेंगे और मोदी का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मोदी को इस बार ये लोग सत्ता से हटाना चाहती हैं, इस बार मोदी जी इस कुर्सी पर नहीं रहेंगे, जैसा ये लोग कह रहे हैं। लगातार आप लोग वीडियो में देख रहे हैं कि ये दलित समाज के तमाम लोग हैं। आइए कुछ लोग और हैं, उनसे बातचीत करते हैं। ये बताइए क्या नाम है आपका? हमारा नाम आलोक रंजन है। आलोक रंजन जी बताइए इस बार ईवीएम बैलेट पेपर, बैलेट पेपर से क्या कारण रहा? बैलेट पेपर, बैलेट पेपर से
सब लोग संतुष्ट हैं, हमारे गांव के हर महिलाएं संतुष्ट हैं, वॉयलेट पेपर से देना अच्छा समझते हैं, ईवीएम से कुछ जगह हमने देखा भी है और सुना भी है कि ईवीएम से चोरी होता है और वाकई में ये होता है। डिजिटल भारत है, डिजिटल भारत है तो डिजिटल तरीके से जी। नहीं डिजिटल नहीं, ये हमको वॉयलेट पेपर से ही संतुष्ट है। वॉयलेट पेपर जी। तो इस बार क्या मायावती या मोदी? नहीं देखिए, हमको न मोदी न मायावती न अखिलेश, हमसे किसी से नहीं मतलब है। हम बस इतना जानते हैं कि हमारे देश में विकास होना चाहिए। विकास हम बल्कि अखिलेश के सरकार में हमको रोजगार मिला था और मायावती के सरकार में अस्पताल स्कूल सब मिले थे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इनके सरकार में सिर्फ मंदिर मस्जिद धर्म के बारे में लड़ाई हो रही है, विकास एक पैसे का नहीं है। हम सिर्फ सरकार चुनना चाहते हैं। अच्छा ये बताइए इस बार मुद्दा क्या होगा? आप लोग शिक्षा से हैं, लगातार पढ़ रहे हैं, आप लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही अग्निवीर वालों को। वहीं अगर देखा जाए तो एक प्रधानमंत्री या पीएम या सीएम तमाम लोग बनते हैं तो उनके लिए 5 साल का प्रावधान है। वहीं दूसरी ओर देखा जाए अग्निवीर अगर सरकारी कहते हैं गवर्नमेंटेड नौकरी होती है तो 4 ही साल का प्रावधान है। क्या कहेंगे फिर इस पर? देखिए ये 4 साल, जैसे हमारा 22 साल उम्र हो गया है, अब हम 4 साल के लिए उसको ज्वाइन कर लेते हैं, 27 साल हमारा एज हो जाता है। अब 27 साल बाद हमको निकाल दिया जाए तो 27 साल बाद हम कहाँ जाएंगे? इसलिए हम चाहते हैं कि ये प्राइवेट जो कर रहे हैं ये ठीक नहीं है, निजीकरण होना चाहिए, रेगुलर किया जाए जी, निजीकरण होना चाहिए, निजीकरण होना चाहिए। चलिए और भी कुछ लोग हैं उनसे थोड़ा बातचीत करते हैं। ये बताइए क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार। मुकेश कुमार जी बताइए इस बार बैलेट पेपर ईवीएम बैलेट पेपर होना चाहिए? आप लोग तमाम लोग हैं, सभी लोग बैलेट पेपर चिल्ला रहे हैं। बैलेट पेपर में ऐसा क्या क्या है बैलेट पेपर से जो आप लोग होते हैं? ईवीएम से माना जा रहा है कि चोरी हो रहा है, पर जल्दी तो ईवीएम से होगा, जल्दी तो हो रहा है लेकिन ईवीएम से माना कहीं कहीं दे रहे हैं। एमपी में कहीं आया था कि कोई था बता रहे हैं कि उसमें धांधली हो रही है, धांधली मतलब उसमें अगर कहीं अगर चाहे साइकिल पे या हाथी पे बटन दबाते हैं तो वही पपा रहा था तो जाके कमल पे ही पड़ता है, ऐसा कुछ सुनाई पड़ा। वोट डालो कहीं पे भी भर जाता है कमल पे, यानी मोदी को वोट जाता है और मोदी लगातार जो है कि जीत हासिल करते हैं, लगातार चुनाव के पहले ही 40 या 80 सीटें जीतने की मांग करते हैं और उसका दावा भी करते हैं। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो मायावती भी 80 सीटें में से कहीं ना कहीं 50 सीट जीतने का दावा कर रही है। जी जी जी। तो क्या मायावती जीतेंगी? जी जीतेंगी। ऐसे कैसे जीतेंगे? ईवीएम तो ये भी कह रहे हैं कि मायावती इस बार नहीं आएंगी। अगर ईवीएम हटेगा तो मायावती निश्चित ही आएंगी सस्ता। लोग कह रहे हैं ईवीएम हटा तो राहुल गांधी आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मायावती मायावती। चलिए अभी यहाँ पे और लोग हैं। बीजेपी हटाओ देश बचाओ, बीजेपी हटाओ देश बचाओ, देश बचाओ। चलिए फिलहाल अभी आपको बताने का प्रयास करूंगा कि इस वक्त हम दलित महिलाओं या दलित समाज के बस्तियों में मौजूद हैं। यहाँ पे लगातार लोग विरोध कर रहे हैं ईवीएम हटाओ देश बचाओ, मोदी का विरोध कर रहे हैं, मायावती को अपनाना चाहते हैं। पर यह देखना है कि इस बार मायावती की सरकार बनती है या मोदी की। लगातार आमने सामने की लड़ाई है और अभी क्या होगा या क्या नहीं होगा, और लोकसभा चुनाव भी नजदीक है। फिलहाल आप इस वीडियो को किस नजरिए से देखते हैं एक कमेंट जरूर करिएगा। फिलहाल मिलते हैं किसी और दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।